Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. जी friends, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. मैं हूँ मुस्तनसर मेराज और आप देख रहे हैं MD Classic. So friends, finally 5 Rafale jets land in India. So जिस खबर का काफी देर से इंडिया को इंतजार था, तो आज जो है 5 जो jets है Rafale के वो लैंड कर चुके हैं इंडिया में. तो friends, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 27 जुलाई को जो Rafale ने टेक ऑफ किया था फ्रांस से, और उसके बाद 29 को जो है लैंड किए हैं इंडिया में. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, और ये भी बताएं कि आप किस वीडियो पे हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं. हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपना रिएक्शन उस वीडियो पे दें. तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हियर वी गो. French Air Force and the French government for all the support they have provided. First batch of Rafale jets took off for India from France. सात हजार किलोमीटर का डिस्टेंस है जी इंडिया से और फ्रांस का जो है, सफर करने के बाद जो है ये इंडिया में पहुंचे हैं Rafale. तो UAE में फ्रेंड्स ये स्टे करेंगे, उसके बाद जो है अम्बाला एयर बेस पे जो ये लैंड करेंगे. एक चला गया, अब दूसरा जा रहा है. आई एम फर्स्ट बैच जस्ट फाइनली टच डाउन इन इंडिया. तो फ्रेंड्स ये लैंडिंग कर रहे हैं इंडिया में Rafale, पहला जेट जो है वो लैंडिंग कर रहा है इंडिया एयरबेस पे, अम्बाला एयरबेस पे. Thank you.
वाटर सूट दिया है जी जहाजों को। वाह यार क्या ब्यूटीफुल सीन है। दो जो सू 30 है उन्होंने रिसीव किया है रफाइल जेट्स को। क्या बात है यार। इंडिया वॉशिंग फ्रेंड। ये था जी रफाइल की जो लैंडिंग दिखाई गई है इस वीडियो में। तो बहुत इंतजार करने के बाद फाइनली जो है इंडिया ने 5 जेट्स जो है वो रिसीव कर लिए हैं। और अगर फ्रेंड्स मैं रफाइल की बात करूं, इसके स्टार्ट की बात करूं, जब इंडियन गवर्नमेंट जो है फ्रांस के साथ जो है डील कर रही थी इन जेट्स के बारे में, तो अपोजिशन राहुल गांधी ने इस पे काफी ज्यादा सवाल उठाए थे, करप्शन के चार्जेस इस पे जो है इश्यूज जो वो उठाए थे। और ये केस जो था वो फिर कोर्ट में गया, जो पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने ये केस विन किया। और उसके बाद जो है फ्रांस से ये 36 जो है रफाइल जेट्स जो है इनकी डील जो है फाइनलाइज हुई। और उनमें से जो पहला बैच जो है वो 5 जेट्स का जो है वो इंडिया ने रिसीव कर लिया है। तो इसमें मैं फ्रेंड्स ये कहूंगा कि फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत ज्यादा इंडिया के साथ तावन किया है, जो कि टाइम से पहले जो है इनको जो है 5 जो जेट्स है वो जो डिलीवर किए हैं। इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत करके जो है वो इनको रफाइल जो जेट्स इंडिया को पहुंचाए हैं। इससे जो है इंडिया और फ्रांस के जो काफी तल्लुकात बेहतर होंगे। और क्योंकि पिछले काफी चंद दिनों महीनों से जो है इंडिया और चाइना बॉर्डर पे काफी ज्यादा इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जो है इंडिया को इन जेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो फाइनली इन्होंने जो है रिसीव कर ली है 5 जो जेट्स जो है रफाइल जेट्स जो है। और अगर कंपैरिजन करूं फ्रेंड्स मैं F-16 का और रफाइल का, तो जो है रफाइल कदरे बेहतर है जो है कि F-16 से, चाहे वो उनकी जो है स्पीड का मामला हो उसमें भी रफाइल F-16 से काफी बेहतर है, चाहे वेट को उठाने का मामला हो तो वो भी जो है रफाइल जो है काफी बेहतर है F-16 से। जो रफाइल के विंग्स की लेंथ है वो भी F-16 से काफी बेहतर है। और जो F-16 है फ्रेंड्स वो 4th जनरेशन का तैयारा है, मल्टी रोल तैयारा है, लेकिन जो रफाइल है वो भी जो है 4.5 जनरेशन का तैयारा है, जो कि सबकत का ले जाता है F-16 से। और रफाइल फ्रेंड्स ये भी जो है मल्टी रोल तैयारा है, और इसकी जो काफी ज्यादा जरूरत थी इंडिया को, तो पहले जो इंडिया तैयारे जेट जो है वो यूज कर रहे थे वो 4th जनरेशन के तैयारे थे, लेकिन अब जो एडवांस मशीन इनके पास आई है वो रफाइल की सूरत में है, जो कि 4.5 जनरेशन के जो है ये तैयार है। फ्रेंड्स रफाइल का जो है इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने से इंडियन एयरफोर्स का मोराल काफी ज्यादा हाई होगा। और ये ऐसी मशीन है फ्रेंड्स जिसकी काफी ज्यादा जरूरत थी इंडिया को, और इंडिया ने इसके लिए बहुत ज्यादा वेट किया है, बहुत ज्यादा इंतजार किया। तो फाइनली जो है 5 रफाइल जेट्स जो है लैंड कर चुके हैं इंडिया में, तो इंडिया की जो बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। तो अब इंडिया जो है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और काफी ज्यादा जो है उनका मोराल हाई है और चाइना के मुकाबले में। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, और ये भी बताएं फ्रेंड्स कि आप किस वीडियो पे हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपना रिएक्शन उस वीडियो पे जरूर दें। तो फ्रेंड्स आज का साथ यहीं तक था। जाने से पहले फ्रेंड्स अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।